गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम इंतजार अहमद, इकोनॉमिक्स टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक चैप्टर डिमांड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स, कि डिमांड क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिज़ायर और विश. सबसे पहले मैं आपको इसकी मीनिंग समझाता हूँ, देन वी विल गो इन टू द डिटेल ऑफ दिस चैप्टर. तो डिमांड का क्या मतलब होता है? डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय. यानी डिमांड के लिए दो एलिमेंट्स का होना ज़रूरी होता है. नंबर वन एबिलिटी एंड अनदर थिंग इज़ विलिंगनेस. दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यानी किसी चीज़ को ख़रीदने की अगर हम एबिलिटी रखते हैं, यानी हमारे पास उतना पैसा है, एंड विलिंगनेस भी है, हम उसे ख़रीदना चाहते हैं, हमारी इच्छा है उस चीज़ को लेने की, बिकॉज उससे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा. तो अगर दोनों एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट हों, यानी हमारे पास एबिलिटी भी है उस चीज़ को ख़रीदने की और हम ख़रीदने की इच्छा भी रखते हैं, देन इट वुड बी कॉल्ड आवर डिमांड. अदरवाइज इट कुड बी ओनली डिज़ायर. मतलब ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना ख़रीदने की क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो सिर्फ डिज़ायर बन के रह जाएगा. तो डिज़ायर के अंदर सिर्फ आती है विलिंगनेस. यानी मैं उसको ख़रीदना तो चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है, मेरी इच्छा है उस चीज़ को लेने की, लेकिन किसी भी तरीके से मैं उसको ख़रीद नहीं सकता, तो वो मेरी डिज़ायर बन के रह जाती है. जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए मैं एक साइकिल ख़रीदना चाहता हूँ कि मुझे लगता है एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरी थोड़ी सेहत बनेगी, और मैं उसको ख़रीदने के पैसे भी रखता हूँ, तो इट इज़ माई डिमांड. इसी तरह मुझे लगा कि मैं एक बाइक ले लूँ तो थोड़ा मेरा एफर्ट कम होगा, टाइम भी सेव होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी, और उतना पैसा भी मेरे पास है, तो इट इज़ ऑल्सो माई डिमांड. अब उसके बाद थोड़ा मेरे पास पैसा और ज़्यादा आ गया, अब मैं सोचता हूँ कि एक कार ले लूँ तो एक मौसम की मार से भी बचूँगा, गर्मी सर्दी सब चीज़ों से, और एक आराम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊँगा, और अगर मैं उसको ख़रीद सकता हूँ, उतना पैसा है, तो अगेन द परचेजिंग ऑफ कार विल ऑल्सो बी डिमांड. लेकिन अगर इसके बाद जो है, अगर हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ सोचें, जैसे हम देखते हैं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत हो रही है, कार भी ट्रैफिक में फंस जाती है, तो मेरी इच्छा होती है कि अगर हेलीकॉप्टर हो तो ज़्यादा बढ़िया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत आसानी हो, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए की, एक आध करोड़ रुपया चाहिए, उतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो मेरी इच्छा तो है उसे लेने की, लेकिन मैं उसे किसी भी तरीके से ख़रीद नहीं सकता, तो इट इज़ माई डिज़ायर ओनली. इसका मतलब डिमांड के लिए शर्त है एबिलिटी एंड विलिंगनेस बोथ. यानी वो क्वांटिटी किसी चीज़ की जिसे मैं ख़रीद भी सकता हूँ और ख़रीदना भी चाहता हूँ, उसे मैं डिमांड कहूँगा. जिस चीज़ को मैं ख़रीदना तो चाहता हूँ लेकिन ख़रीद नहीं सकता, वो मेरी विश या डिज़ायर बन के रह जाती है. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक है डिमांड शेड्यूल, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, लेकिन दिया हुआ है तो आपको समझना चाहिए. डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टेबल, इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन. ये एक टेबल है जिसके ज़रिए हम ये दिखा देते हैं कि किस प्राइस पर हम कितनी क्वांटिटी लेना पसंद करेंगे. ठीक है, सो इट्स अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. कि जैसे मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपया है, अगर मैं उस समय उसके 5 यूनिट लेने को तैयार हूँ, सो इट इज़ माई डिमांड. देन अगर प्राइस बढ़कर 20 रुपया हो जाती है, मेरी डिमांड घटकर 4 हो जा रही है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिमांड. एंड अगर प्राइस बढ़कर 30 हो गई, मैंने डिमांड को घटाकर और 3 कर दिया, सो दिस इज़ ऑल्सो माई डिमांड. तो ये एक टेबल मैंने बनाई जिसमें दो कॉलम है, जिसमें प्राइस और डिमांड को शो कर रहा हूँ, कि अगर वो चीज़ मुझे सस्ती मिली 10 रुपये की तो मैं 5 यूनिट ले लूँगा, अगर मुझे महंगी मिली 20 रुपये की तो मैं कम करके 4 ले लूँगा, अगर और ज़्यादा महंगी मिली तो मैं उसके 3 यूनिट ले लूँगा. तो ये जो टेबल है, इसमें मैंने अपनी डिमांड का रिफ्लेक्शन दिखा दिया according to the price, hence it is called demand schedule. So demand schedule is a table that shows the relationship or the behavior of demand and price. Now it is of two types. ये जो demand schedule है, ये दो तरह का होता है, एक होता है individual और दूसरा होता है market. दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है. इंडिविजुअल का मतलब होता है यहाँ हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है तो उस कंज्यूमर के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, वो अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को कितना बढ़ाएगा या घटाएगा, अगर उस बात को मैं एक टेबल में दिखाऊं, इट वुड बी कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. लाइक एग्जांपल यही फिट हो जाता है यहाँ, कि जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, एक कंज्यूमर अपनी डिमांड को घटा रहा है, तो यहाँ हमने प्राइस के बढ़ने या घटने का इफ़ेक्ट
एक कंज्यूमर के ऊपर दिखाया है। लेकिन अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कई सारे कंज्यूमर्स की, यानी एक मार्केट में हो सकता है 50, 100, 200 कंज्यूमर हैं जो प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं, तो प्राइस के चेंज होने का इफ़ेक्ट तो उनकी डिमांड पर भी पड़ेगा। तो अगर हम उसको टेबल में दिखाएं तो डेफिनेशन क्या बनती है सबसे पहली, कि इट्स अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड बाय सेवरल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। यहाँ हमने सेवरल कंज्यूमर को इंक्लूड कर लिया और एक साथ उनकी डिमांड को मर्ज करके दिखाया प्राइस से रिलेट करके, उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो टेबल में क्या चेंज आएगा समझ लीजिए कि जैसे ये प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये पहला कंज्यूमर है ए जिसकी डिमांड को हमने दिखाया। इसी तरह मान लीजिए दूसरा कंज्यूमर है बी, उसकी डिमांड को हमने दिखाया कि उसने 10 से घटाकर अपनी डिमांड को 8 किया और 6 किया। डिफरेंट क्वांटिटी क्यों? क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर ए के पास कम पैसा है, ये गरीब है, कंज्यूमर बी के पास रिलेटिवली ज़्यादा पैसा है, इसीलिए वो इसके मुकाबले में ज़्यादा ले रहा था। लेकिन इफ़ेक्ट उस पर भी वही होगा कि प्राइस के बढ़ने पर चीज़ महंगी हो गई और अब वो उसकी कम क्वांटिटी ले पा रहा है। एक कंज्यूमर को और ले लेते हैं, मान लीजिए कंज्यूमर सी, तीन कंज्यूमर हैं सपोज एक मार्केट में, और ये उससे भी ज़्यादा ख़रीद रहा है 20, 15, 10। ये हो सकता है सबसे रिचर है, जिस पर जिसके पास पहले से पैसा ज़्यादा है, तो इसलिए 10 रुपये पे वो 20 यूनिट ले रहा था। लेकिन इफ़ेक्ट उस पर भी वही हो रहा है कि प्राइस के बढ़ने पर चीज़ महंगी हो रही है, वो अपनी डिमांड को घटा रहा है। तो एक चीज़ तीनों में कॉमन है कि प्राइस के बढ़ने पर तीनों ही कंज्यूमर की डिमांड घट रही है। 5 से 4, 3 हुई, 10 से 8, 6 हुई, 20 से 15 और 10 हुई। तो अब हम क्या करें, इन तीनों कंज्यूमर की डिमांड का टोटल कर दें तो ये बन जाएगी हमारी मार्केट डिमांड, यानी 5 और 10, 15 और 20, 35। ये हो गया 8 और 4, 12 और 15, 27, 3 और 6, 9 और 10, 19। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि एज अ होल मार्केट की डिमांड प्राइस के बढ़ने पर घट रही है, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या है, इट इज़ द सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर। तो 5, 10, 20 जोड़कर ये हमने बना लिया। तो प्राइस के बढ़ने पर मार्केट डिमांड भी एज अ होल घटती है, क्योंकि हर एक कंज्यूमर अपनी डिमांड को प्राइस के बढ़ने पर घटा देता है। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है हमारी डिमांड कर्व। जैसे हमने समझा डिमांड शेड्यूल, ऐसे ही आता है डिमांड कर्व। माइनर डिफरेंस है, वहाँ हमने डिमांड को टेबल की फॉर्म में दिखाया था, यहाँ हम डिमांड को कर्व में यानी ग्राफ में दिखा रहे हैं। तो डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, जहाँ पर हमने प्राइस के बदलने पर डिमांड की क्वांटिटी को बढ़ता घटता दिखाया था टेबल फॉर्म में, यहाँ हम एक कर्व के थ्रू इस बात को दिखाएंगे। सो इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, मीनिंग क्या हो गया डिमांड कर्व का, इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अब अगेन ये भी दो तरीका होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल की अगर बात करें, इसका मतलब हम एक कंज्यूमर की डिमांड कर्व को दिखाएंगे, और जब हम मार्केट की बात करेंगे तो कई सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को ग्राफ में पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम एक इंडिविजुअल की डिमांड को ग्राफ में पुट करते हैं, तो यहाँ आप जानते ही हैं कि प्राइस दिखाया जाता है वाई एक्सिस पे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, और क्वांटिटी डिमांड दिखाई जाती है एक्स एक्सिस में यूनिट्स में। तो एज़ पर लॉ, जो अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं, एज़ पर लॉ डिमांड कर्व स्लोप करता है डाउनवर्ड, यानी एक इन्वर्स रिलेशन को दर्शाता है कि प्राइस का बढ़ना हमेशा डिमांड को कम करता है, प्राइस का घटना हमेशा डिमांड को बढ़ाता है। जैसे हम यहाँ कोई एक वैल्यू ले लेते हैं कि सपोज़ कीजिए प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपये, मैं उस समय 50 प्रोडक्ट ख़रीद रहा था, जैसे ही प्राइस घट कर 5 रुपया हो गया, मैं इसके 100 प्रोडक्ट ले पा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने इस क्वांटिटी को जो पहले टेबल की फॉर्म में दिखाया था डिमांड शेड्यूल टॉपिक में, यहाँ डिमांड कर्व में पुट करके दिखा दिया और एक कर्व बना के दिखा दिया कि डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगा, और ये एक कंज्यूमर की डिमांड को दर्शा रहा है कि जब प्रोडक्ट 10 का मिला तो उसने 50 यूनिट खरीदे, और जैसे ही प्राइस घटकर 10 से 5 हुई, सस्ता हुआ, उसने अपनी डिमांड को डबल कर दिया, 50 के बजाय उसने 100 यूनिट लिए। तो सेम चीज़ है, उसको टेबल में दिखाया गया था, यहाँ पर ग्राफ
ग्राफ में दिखाया, क्योंकि यहाँ हमने एक ही कर्व बनाई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को। अब मैं एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेगा मार्केट डिमांड को, यानी सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को। अगेन वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे प्राइस इन रुपीज़, और यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो अब यहाँ क्या करना है हमें, हम अज्यूम कर लें, सपोज कीजिए कि दो या तीन कंज्यूमर मार्केट में हैं। तो ये पहला कंज्यूमर हो गया डी ए, मैंने बना दिया कंज्यूमर की डिमांड बाई ए। सपोज़ कीजिए प्रोडक्ट 10 रुपये का है और उस समय वो कंज्यूमर इसके 5 यूनिट ले रहा है। मार्केट में एक और दूसरा कंज्यूमर है बी, जिसके पास रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो 10 रुपये पर 10 यूनिट ले पा रहा है, देन इसका मतलब ज़्यादा ले पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है। इसी तरह एक मार्केट में तीसरा कंज्यूमर है सी, जो कि रिलेटिवली और ज़्यादा ले पा रहा है, सपोज़ 15 यूनिट ले पा रहा है, क्योंकि सबके लेवल अलग है। तो ये क्या शो करता है एक तरह से कि प्रोडक्ट की प्राइस जब 10 रुपये थी तो 5 यूनिट ख़रीदे ए ने, 10 यूनिट ख़रीदे बी ने, 15 यूनिट ख़रीदे सी ने। तो यानी टोटल कितना हो गया, 5 और 10 15 और 15 30। इसका मतलब ये 30 यूनिट की डिमांड जो है ये मार्केट डिमांड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल की डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर प्राइस में मान लीजिए कोई चेंज आता है, सपोज़ कि ये प्राइस इसका घटकर 10 रुपये से 5 रुपये होता है, डेफिनेटली सारे कंज्यूमर की डिमांड में चेंज आएगा। हो सकता है ये इसके 7 यूनिट्स ख़रीद ले, हो सकता है ये इसके 12 यूनिट्स ख़रीद ले, हो सकता है ये इसके 17 यूनिट्स ख़रीद ले, क्योंकि सस्ता हो गया तो हर कंज्यूमर थोड़ा ज़्यादा ले पाएगा। तो 2 यूनिट इसने ज़्यादा ख़रीदे यानी 7, 2 इसने ज़्यादा ख़रीदे यानी 12, 12 और 7 19, और इसने 17 ख़रीदे तो 19 और 17 36। इसका मतलब डिमांड बढ़कर हो गई 36 यूनिट्स की। तो ये शो करता है कि जब प्राइस प्रोडक्ट का 10 रुपये है तो मार्केट डिमांड बाई ऑल द कंज्यूमर इज़ 30, और जब प्राइस घटकर 5 हो गया 5 रुपी तो मार्केट डिमांड इंक्रीज टू 36 बाई ऑल द कंज्यूमर। तो ये एक तरह से कंक्लूड करता है, जिसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंक्लूड करता है कि मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस की तरफ हम इसको ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग दिस विद दिस एंड देन गेटिंग द टोटल अमाउंट। तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल, तो दोबारा बता रहा हूँ, मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आई थिंक आई मेड यू दिस टॉपिक क्लियर। थैंक यू।